हो गया अक्षरा का श्राद्ध और हो गई घर में शांति पूजा भी। घर वाले सारे मान चुके हैं कि अक्षरा अब नहीं रही, मगर अब भी नैतिक जी का ये मानना है कि अक्षरा की मौत नहीं हुई है। डेथ स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये जरूर स्वीकार कर लिया कि अब वो यहाँ है नहीं। इसका तो यही मतलब है कि अक्षरा के लौटने की पूरी उम्मीद है। हाँ, चेहरा वो नहीं होगा, मगर अक्षरा जरूर लौटेगी। और जाते जाते अपने परिवार वालों के लिए जो तोहफे देकर उन्हें फिर से रुला दिया है, वो लौटने के बाद उन्हें फिर से हंसा देगी। हाँ, जाते जाते भी सबके लिए तोहफे देकर गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबके नाम से कुछ ना कुछ लिख कर गई है, सबको गिफ्ट दे कर गई है, इसलिए बहुत खुशी हो रही है उन्हें देख के। अक्षरा की वापसी का फायदा कार्तिक को भी होगा, तभी तो जेल में बंद कार्तिक भी छूटेगा, जिसके लिए नायरा और कार्तिक की माँ दोनों चिंता में हैं। नायरा भले ही फिलहाल कार्तिक से नफरत कर रही हो, मगर सुना है कि बहुत जल्द दोनों की शादी होने वाली है। शादी के लिए पूरा परिवार उदयपुर भी जाने वाला है। खबरें तो कुछ ऐसी ही हैं। और ये भी खबर है कि नई अक्षरा के लिए ऑडिशंस चल रहे हैं, वो भी जोर शोर से। मुंबई से वंदना शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।